की ताजगी और गर्मी का राज। बजे हैं पूरे 2 और इस टाइम यहाँ पे आए हैं बुआ जी। मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि डैडी जी भी ऊपर आ गए थे और 3 नेपाली भाई आ गए थे हमारे गड्ढे खोदने के लिए। जो पहाड़ी हैं वो जानते हैं और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए इतना बता दूं कि ये वाले टाइम में हमारे जो सर्दियों में गड्ढे खोदे जाते हैं एप्पल्स की ट्रीज लगाने के लिए, तो जब बारिश आएगी तो पेड़ तभी लगता है, लेकिन गड्ढे खोद के रख दिए जाते हैं। हमारे जो आलू वाले खेत थे उसमें हमने जो है गड्ढे खोद दिए हैं। तो बुआ जी यहाँ पे दोनों भाइयों के पास आए थे क्योंकि दो भाई जो यहाँ रहते हैं घर के साथ लेकिन हम रहते हैं आगे, तो इन्होंने यहाँ पे डोर खुला देखा तो ये भी आ गए। तो यहाँ पे मैं थी क्योंकि डैडी जी इस टाइम तक चले गए। वीडियो के स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो नेपाली भाइयों का ही म्यूज़िक था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा जोर से लगा दीजिए और मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। मैं फटाफट से चाय बना दूंगी, मुझे यहाँ चाय नहीं बनानी थी लेकिन बुआ जी यहाँ आ गए तो मैंने उनको बोला कि चाय पी के ही जाइए। हालाँकि वो चाय नहीं पीते हैं लेकिन चाय मेरी फेवरेट है। मैंने अपने कप में जो है नमक डाल दिया था क्योंकि आजकल मैं नमक वाली चाय ही पी रही हूँ। जब से मेरे टॉन्सिल्स हुए उसके बाद मैंने नमकीन चाय पीनी शुरू कर दी है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही बोला था, हालांकि मैं अब किसी भी सब्सक्राइबर के कमेंट का जो है यहाँ पर रिप्लाई तो दूंगी लेकिन नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर जो हैं फिर नाराज हो जाते हैं और अब मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और रिप्लाई करूंगी। जिसका जो आंसर होगा उन्हें खुद ही पता लग जाएगा क्योंकि फिर किसी को लगता है कि हमारे नाम नहीं लिए, कई बार 2-3 दिन पहले के होते हैं तो पता नहीं लगता है कि कौन से जो है कमेंट्स कई बार स्पैम में चले जाते हैं तो फिर हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं प्यारे प्यारे वो नाराज़ हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पी लेंगे चाय, उसके बाद बुआ जी भी चले जाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ अगले साइड से राशन ले जानी है क्योंकि इनका भी मेन स्टेशन यहीं आता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे नेपाली भाइयों ने देखिए बुआ जी जाने के लिए तैयार है, देख रहे हैं कि धूप छाया चली गई है और यहाँ मैं आ गई हूँ खेत में। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे होते हैं गड्ढे। लोकल लोगों को सभी को पता है लेकिन जो बाहर के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस तरह से देखिए ये गड्ढा किया जाता है। कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी बारिश बर्फ़ वगैरह आएगी तो नमी जब इसमें अच्छे से हो जाएगी, देखिए अभी बिल्कुल नमी नहीं है, हालांकि इस साइड को थोड़ी बहुत नमी रहती भी है क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती है। तो इस पे लगा दिए जाएंगे सेब के पेड़ और यहाँ इस साइड को पिछले साल के लगे हैं और इस साइड में जो है अब लगेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं लगे हैं, यहाँ पे जो है नए खेत निकले थे इसमें हमने आलू लगा दिए थे और इस बार हम इसमें गड्ढे कर देंगे ताकि इसमें भी सेब के पेड़ लग जाए। और पाले साइड को तो पहले ही लगे हुए हैं, पिछली साइड इधर को भी जो मैंने आप लोगों के साथ दिखाए वो भी लगे हैं। अभी छोटे छोटे पेड़ हैं क्योंकि अभी यहाँ पे पेड़ लगाने शुरू किए हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं सुनीला हिमाचली मॉम स्टूडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस टाइम मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे घर और ठंडी ठंडी हवा चली है, देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चली है और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन अभी तक मौसम तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, मौसम तो बीच बीच में से बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं। इस टाइम भी इतनी हवा चली है ना कि जोर का जैसा हवा का झोंका आएगा ना तो उड़ भी जाएंगे, सच्ची बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली है। और मैं जा रही हूँ इस टाइम नीचे, पीछे चली गई थी सुबह क्योंकि वहाँ पे ना 2 लोग आए थे, 2 नहीं 3 आए थे, वो गड्ढे करने आ गए थे। तो मम्मी ने क्या बोला मुझे कि ऊपर चाय वगैरह का रहता है क्योंकि वो ठेके पे ही होते हैं ना, मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं मर्ज़ी से चले जाते हैं जब उनका दिल करता है। तो थोड़े जैसा उन्होंने काम किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जब उनका दिल होगा वो फिर तब आ जाएंगे। चाय वाय पिलाने चली गई थी पर उन लोगों ने चाय भी नहीं पी इसलिए वो भाग गए। फिर वहाँ पर बुआ आए थे, बुआ जी जो मेरे हस्बैंड के बुआ हैं वो वहीं तक आए थे, पीछे तक नीचे नहीं आना था उन्होंने, फिर मेरे पास भी आ गए थोड़ी देर। हाँ जी किधर चली तुम्हारी गाड़ी? नमस्ते जी नमस्ते, हेलो करो इधर, तुम जा कहाँ रहे हो अभी? ठंड नहीं लग रही तुम्हारे को? देखिए पिछली बार मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि क्या इन लोगों को ठंड नहीं लगती, तो हाँ जी क्या तुम लोगों को ठंड नहीं लगती? नहीं। क्या है आपकी ताजगी और गर्मी का राज? तो ये चले जाएंगे अब यहाँ से ऊपर क्योंकि ये जा रहे हैं
ये देखिए पीछे ये जा रहे होंगे कुछ लेने, और पूछो मत कितनी ठंडी ठंडी हवा चली है। देखिए पेड़ पीछे कैसे हिल रहे हैं। मैं भी पहुंच जाऊंगी अब थोड़ी ही देर में घर के पास, फिर आप लोगों के साथ में आज अपना डिनर रूटीन, शाम का रूटीन। फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाती है इसीलिए मैंने शुरू ही नहीं की, और मैं ना दूसरी साइड से आ रही हूँ। ये हमारा जो है मेन रास्ता नहीं है, ये खेतों खेतों में है बीच बीच से। मेन रास्ता जो है हमारा, अभी मैं पहुँचने वाली हूँ मेन रास्ते में। इधर इधर से आ जाती हूँ मैं ना, हर कहीं से ही आ जाती हूँ। ऐसे चलते हैं इधर साइड से भी लोग, और चलते चलते तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही बाहर रहेंगे ना बहुत ठंड लग जाती है। और यहाँ देखिए इसी जगह के लिए बोलती हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है, ऐसी जगह है यहाँ पे, तब थोड़ा डर लगता है। और इधर फिसलन वाली जगह भी है, और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं अपने मेन रास्ते में। सेल्फी स्टिक में फंसाया है, यहाँ देखिए ये है हमारा मेन रास्ता। तो अब पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे घर के पास। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ ना तो अच्छा लगता है, अब आदत हो गई। सोच रही थी पहले आज वीडियो नहीं बनाऊँ, और फिर मैं सोच भी रही थी आजकल ज़्यादा इधर उधर जाने का भी है नहीं है, कि तीसरे दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, पर मेरे से नाराज ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे ना। ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी पता नहीं मैं क्या भूल चुकी हूँ, कुछ आदत जैसी हो गई है, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों से मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए जितना है जो भी है जैसे भी है, जितने भी वॉच कर रहे हैं दिल से वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो अपलोड करना तो बनता ही है। पहुँच जाऊँगी मैं अब घर में, फिर दूध भी चले जाऊँगी शायद, अगर मम्मी ने दूध ला लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं जाऊँगी दूध के लिए। अच्छा सा दिख रहा है अभी यहाँ से, थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ मैं, और यहाँ बैठ जाऊँगी। और वो देखिए जो नीचे है ना, जो अगले वाला घर है वो मेरा घर है, और यहाँ देखिए पीछे को है कुछ ऐसा, इधर को धूप नहीं है उधर को धूप है, तो ज़्यादा भी क्या शेयर करना, व्यू व्यू वही वही एक एक जगह का। चलिए फ्रेंड्स अब घर के पास मिलती हूँ आपसे, फिर शेयर करूँगी शाम को डिनर में। आज डिनर में बनेगी मंडी की स्पेशल सेपू बड़िया, डैडी जी लेके आए हैं, तो इनको ना मैं यहाँ पे पहले उबलते हुए पानी में उबाल दूंगी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी इसकी। सेपू बड़ी को मैं दो तरीके से बनाती हूँ, एक तरीके से इसकी कड़ी बनती है और एक तरीके से सब्जी। आज मैं सब्जी बनाऊंगी, और मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन सेपू बड़िया इस तरह से भी बनाते हैं। तो लगभग 8-10 मिनट में इसको यहाँ पे उबलने के लिए लगा दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए है हरी मिर्चें और अदरक के कुछ टुकड़े, और उसके साथ ही है मैंने लहसुन, और इन तीनों को मैं अच्छे से पेस्ट बना दूंगी, कुंडी में पीस दूंगी। यहाँ देखिए मैंने पीस दिया है, और अनियन मैंने एक बड़ा सा कट कर दिया है, और दो टमाटर मैंने कट कर दिए हैं। 8-10 मिनट होने के बाद देखिए ये मेरी पक गई है, इस तरह से मैं इनको देखूंगी, ये देखिए पक गई है मेरी, सॉफ्ट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और गैस को कर दूंगी मैं बंद। इसको मैं गर्म पानी में ही ढक के रहने दूंगी, तब तक मैं यहाँ पे तड़का लगा दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने ली है यहाँ पे 2 सूखी मिर्च क्रश की हुई, और इसमें डाल दूंगी मैं अपना अनियन। अनियन को जो है मैं लाइट पिंक होने दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का वो पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसकी खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी आती है। तड़का मैं सिंपल तरीके से लगा दे रही हूँ, और इसमें ऐड कर दूंगी वही अपने रेगुलर से मसाले, हल्दी, और उसके बाद जो कोरिएंडर, और उसके बाद मेथी, और फिर जीरा। बस यही 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। तो बस ये मेरा तड़का तैयार हो गया है, और ये देखिए ये मैंने वो सेपू बड़ियाँ निकाल के रख दी है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी आती है, तो मुझे बताइएगा कौन कौन इन बड़ियों को बनाता है और किसको ये पसंद है खाने में, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए मेरा जो है लहसुन प्याज जो है अच्छे से भुन चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब अपने टमाटर। टमाटर जो है मैंने 2 ही कट किए हैं, क्योंकि टमाटर आजकल मार्केट में आ नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको अच्छे से पका दूंगी। मैंने जो है इसके लिए ये प्यूरे नहीं बनाई है, मुझे छोटा छोटा कट करके बना के इस तरह से अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी सेपू बड़ियाँ, तो इनको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और थोड़ी देर में इसमें ऐसे ही रख के ढक के पका दूंगी 2 मिनट तक और, ताकि इसमें जो है मसाला अंदर तक चला जाए। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये गलती नहीं है। और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर इसका जो, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें गर्म मसाले का। तो गरम मसाला मैं लेती हूँ यहाँ पे MDH का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किचन किंग का भी अच्छा होता है। तो इसमें कुछ कुछ खाने में मैं डाल देती हूँ, मैं रख देती हूँ। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 गिलास पानी, क्योंकि अगर इसमें इस तरह से तरी जैसी बनाएंगे ना हल्की सी, बाद में तो ये गल जाएगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से सेपू बड़ियाँ अंदर तक अच्छे से इसमें मसाला चला जाता है। देखिए थोड़ी देर बाद मेरा जो है
सब्जी बनके हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाल दिया है कोरिएंडर। कोरिएंडर जो है मैंने अपने ही घर के पास उगाया है। अब वो ख़त्म होने लग गया है क्योंकि वहाँ पे अब ठंड पड़ गई है, नीचे हो नहीं रहा है। और यहाँ पे चूल्हे पे आज बनाऊंगी मैं फुलके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आज बहुत ज़्यादा हवा लगी है, रात भर भी बहुत ही हवा लगी थी। यहीं पे ही फुलका देखना कितना अच्छा फूल जाएगा। ये देखिए पहला फुलका है ये, और कितना अच्छा फूल गया है। ये देखिए बहुत अच्छे फुलके बनते हैं यहाँ पे। ये देखिए फूला फूला सब फुलका। यहाँ पे आपके पास ही मैं बना दूंगी चपाती, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चली है, बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना मजे आ जाते हैं आपके पास इस तरह से बनाने में। पिछले साल तो मैंने यहाँ पे काफी रोटियां बनाई, इस बार नहीं बनाई थी, तो मेरी रोटी जो है यहीं पे ही अच्छे से पक गई है, क्योंकि पतला फुल्का है, मैं ज्यादा इसको नीचे नहीं करूंगी, तो यही ऊपर बन जाएंगे मेरे अब ताजा ताजा फुल्के। रौनक को बुलाऊंगी अब खाना खाने, फिर वो आ जाएगा। राजकुमारी जी का मुझे कमेंट मिला था, उनकी बेटी जो है सुजाता सिंह, उनका बर्थडे है कल, मतलब कि आज जब आपको मेरा वीडियो मिलेगा, तो हैप्पी बर्थडे सुजाता जी, गॉड ब्लेस यू। और भी मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा, सबके नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, और फिर ना कोई कोई नाराज हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। इससे अच्छा है मैं जो है बर्थडे वगैरह पे विश कर लूंगी स्पेशली, बाकी मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर फिर नाराज हो जाते हैं। ऐसे तो मुझे पता था कि नाराज होते हैं, लेकिन मुझे फिर बीच में अच्छा लगता था। तो चलिए फिर कल से ना मैं आप लोगों के ज्यादा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि फिर अगर किसी का नाम लेते हैं, किसी का नहीं लेते हैं, फिर वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि आज भी मुझे बहुत से कमेंट मिले कि मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं नाम उनके लेती हूँ जिनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स ही दूंगी मैं, और कोशिश करूंगी कि मैं नाम किसी के ना लूं ज्यादा। तो फटाफट से मैं बना देती हूँ फुलके, फिर मिलती हूँ आपसे फुलके। यहाँ पे देखिए मेरे फुलके जो सारे ही हैं बहुत अच्छे बन गए थे, फूले फूले से। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चूल्हे पे फुलके बनाना पसंद करता है। मुझे तो ऐसे काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब मैं रौनक को भी बुला दूंगी खाना खाने के लिए, फिर रौनक के एक्सप्रेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि रौनक ने आज तक जो है सेपू बड़ी की सब्जियाँ नहीं खाई है। कई बार बनती है तो वो नहीं खाता है, आज कोई ऑप्शन नहीं था, यही बनी थी तो इसको खानी पड़ी। और रौनक ना बहुत ज़्यादा वो करता है, एक्सप्रेशन इसके बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब ये बहुत ही नाप तोल के अच्छे से बताएगा आपको। पनीर पकौड़ा विद परांठा मूली का, ये थे रौनक के एक्सप्रेशन। बैठ के मैं बना दूंगी सारी चपातियां अब, और चूल्हे के पास बैठ के इतनी गर्मी लग रही है, बाहर ठंड लग रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो का भी कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।